नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर IBPS PO का जो प्री एग्ज़ाम आ रहा है 2017 का, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन जल्दी आ जाएगा, और कैलेंडर आ चुका है, उसके अंदर डेट्स आ चुकी हैं कि कब कौन कौन से एग्ज़ाम कैसे कैसे होने हैं। इसलिए आज हम लोग पहले से ही तैयार रहें, तो इसलिए कैसे आप लोगों को 50+ मार्क्स के लिए टारगेट करना है IBPS PO प्री में, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है और जो फेसबुक का ग्रुप है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग स्टडी मटेरियल वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं, उससे आपको इजी हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, फिर पैटर्न की बात करेंगे, फिर सिलेबस की बात करेंगे, और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसकी बात करेंगे, और फिर आपको कैसे तैयारी करनी है उन सारी चीज़ों की अपन लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों बैंकर्स पॉइंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो आपको एक कोचिंग जैसा इन्वायरमेंट देता है पूरा का पूरा। वहाँ पे हमारी एक नॉमिनल सी फीस होती है, वो फीस लेके हम लोग आपको पूरा सिलेबस करवाते हैं, फुल सिलेबस, अप टू डेट एग्ज़ाम कंटेंट होता है, 300+ वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर हम लोग कराने वाले हैं। टारगेट बेच IBPS PO का, क्लर्क का और RRB PO क्लर्क का, इन सारी चीज़ों के चल रहे हैं हमारे पास। तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दिया गया है इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है जो नीचे लिखी हुई है उसके ऊपर भी आप लोग हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा मोबाइल नंबर और ये रही हमारी वेबसाइट का लिंक, तो यहाँ पे जाके आप लोग ज़्यादा डिटेल्स को, जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले एग्ज़ाम डेट्स की बात करते हैं। जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 के महीने में, यानी कि जो अपना अक्टूबर आएगा उसके अंदर होने वाला है। 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, दो वीक्स के अंदर, सैटरडे संडे को एग्ज़ाम फिक्स्ड है, यहाँ पे ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 26/11/2017 को होगा, यानी कि नवंबर के माह में होगा। तो ये दो एग्ज़ाम्स अभी यहाँ पे शेड्यूल्ड हैं। तो अभी तक की यही डेट है, आज की तारीख में अगर अपन लोग बात करें तो अभी तक जो कैलेंडर में डेट आई हुई है यही आई हुई है। नोटिफिकेशन में हो सकता है कोई स्लाइटली चेंज आ जाए, बाकी कोई चांसेस नहीं एग्ज़ाम डेट्स के अंदर चेंजेस की। तो अभी से अपने को जो अक्टूबर है उसके हिसाब से तैयारी करके चलनी है, तो उसी लिए मैं आज की तारीख में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अपन लोग अभी से तैयारी करें और आते आते धीरे धीरे अपन की तैयारी को और भी बेहतर अच्छा सा बना लें। प्रीलिम का जो पैटर्न है दोस्तों यहाँ पे वही सेम पैटर्न है जो लास्ट ईयर था, हर बार वही पैटर्न आ रहा है। इंग्लिश के यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, क्वांट के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। मार्क्स भी एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है और कंपोजिट टाइम एक ओवर का होता है, यानी कि आप एक घंटे में कोई भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हैं, किसी भी सेक्शन को पहले कर सकते हैं। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, और जो प्री होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, कम सिर्फ आपको अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस देखते हैं, और जो मेंस के जो मार्क्स होते हैं मेनली वही इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करनी होती है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो दोस्तों रीजनिंग में 0 से 5 मार्क्स मैंने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में पूछ ले। यहाँ पे सर्कुलर और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे 10 मार्क्स का पूछा गया था, सिलोलिज्म 5 मार्क्स के पूछे गए थे, पजल्स यहाँ पे 10 मार्क्स की पूछी गई थी, इनइक्वलिटीज 5 मार्क्स का आया था, ब्लड रिलेशन 2 मार्क्स का आया था, ऑर्डर और रैंकिंग में से भी यहाँ पे, और डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। अब दोस्तों अगर अपन मेनली बात करें तो कहाँ कहाँ अपने मार्क्स नहीं कटने चाहिए, इनइक्वलिटीज में अपने मार्क्स नहीं कटने चाहिए, सिलोक्स में अपने मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ब्लड रिलेशन में अपने मार्क्स नहीं कटने चाहिए, और कोडिंग डिकोडिंग आती है तो उसमें भी नहीं कटने चाहिए, और इन दोनों टॉपिक्स में से भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। यानी कि अपने 35 में से ये जो 15 से 20 मार्क्स है ना, इनमें तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, और सर्कुलर और लीनियर अरेंजमेंट के अंदर और पजल के अंदर भी एक एक पजल और एक एक अरेंजमेंट आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिलोक्स वगैरह के कुछ टॉपिक्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखे हैं। इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है उसमें पजल भी हम लोगों ने करा दिया है, करवा रहे हैं, और इनइक्वलिटीज़ हो चुका है वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स वर्जन में, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके ऊपर भी सारी चीज़ें, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही डिटेल के अंदर पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग IBPS PO 2017 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास रीजनिंग का कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, या फिर आप लोग जो ये हमारा नंबर है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिटेल के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, 8955974739। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करें तो ओवरऑल आप 17 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि
सिलोक्स इनइक्वलिटीज़ और ब्लड रिलेशन 12 से 13 मार्क्स ये हो जाते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 मार्क्स ये हो जाते हैं। तो आराम से अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ भी दिया है तो आप 15 से 17 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब अगर क्वांट की बात करें तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों। क्वांट की भी हम लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रखी है, वहाँ भी हम लोग सारे टॉपिक्स बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं। टारगेट पे चल रहा है IBPS PO का, तो क्वांट भी आप ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। DI के 2 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 क्वेश्चन के 2 सेट आते हैं, वहाँ पर आप 8 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 में से 4 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ पैटर्न चेंज हुआ है तो उस पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। सीरीज़ में अगर आप हार्ड सीरीज़ आ जाए ना तो आप 3 कर सकते हैं, नहीं तो 5 की 5 भी करके आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में भी वैसे 5 क्वेश्चन ही करने चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए 5 भी नहीं कर पाते तो 4 क्वेश्चन आप इजीली करोगे। तो इन सारे मार्क्स को भी अगर जोड़ा जाए तो आप आराम से 19 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। इसमें अर्थमेटिक तो पूरा बच ही गया। और अगर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं और सारे टॉपिक्स हमसे पढ़ते हैं तो आप इस सेक्शन में आराम से 30 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्निक्स ऐसी हैं। टाइम लिमिट के अंदर कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है वो मेन चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। तो मैं रीजनिंग में भी बताना भूल गया आप लोगों को, रीजनिंग में मैं आपको टाइम का शेड्यूल बता देता हूँ। जो इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं वो आपको 2 मिनट में करने हैं, ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। सिलोक्स में 3 मिनट में करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग में 2 मिनट में करने हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर सकते हो, ऑर्डर रैंकिंग का 1 मिनट में एक क्वेश्चन और डायरेक्शन का 1 मिनट में। तो आप लोग देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11 मिनट के अंदर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में आप 10 मिनट आराम से पजल को देके 2 पजल सोल्व कर सकते हो या फिर 2 सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व कर सकते हो। ये टाइम लिमिट होनी चाहिए। इस टाइम लिमिट में अगर आपको पता नहीं है कि इस टाइम लिमिट के अंदर कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए या फिर हमारी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपकी जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है वो हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे और आपको ऐसी टेक्निक्स सिखाएंगे जिससे कि आप टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन कर पाएंगे। दोस्तों ऐसी अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो DI के अंदर मैंने कैलकुलेशन टिप्स की एक वीडियो यूट्यूब पे भी डाली है और डिटेल्स के अंदर कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक की वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन की भी मैं डाल चुका हूँ, तो ये पढ़ सकते हैं। बाकी अगर अर्थमेटिक आपको ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी और हम लोग वहाँ पर आप लोगों को टाइम लिमिट में कैसे क्वेश्चंस को करना है यही मेनली वहाँ पर आप लोगों को सिखाने वाले हैं। अब अगर दोस्तों अपन लोग इंग्लिश की बात करें तो पैसेज आता है 1-10 मार्क्स का, उसमें से अगर आप लोग अच्छी सी आपकी रीडिंग स्किल्स हो जाएं तो आप 7 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। एरर स्पॉटिंग के 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 2015 के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे और 16 के अंदर 10 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो एरर स्पॉटिंग के 5 से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं, पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन आते हैं और फिल इन द ब्लैंक 0 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर एरर स्पॉटिंग 10 आ गए तो फिल इन द ब्लैंक नहीं आएंगे, अगर फिल इन द ब्लैंक 5 आ गए तो एरर स्पॉटिंग 5 ही क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, बड़ी परेशानी रहती है लोगों को कि इंग्लिश को कैसे तैयार करें। दोस्तों इंग्लिश में लोग पास भी नहीं हो पाते हैं, उसका रीज़न मेन ये है कि ग्रामर नहीं आती, रीडिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं है, वोकैब भी अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो सबसे अच्छी बात है कि आप या तो RRB को टारगेट करो, रूरल बैंक जो होते हैं वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती उनको टारगेट करो। अगर आप IBPS PO में लगना चाहते हैं तो भी इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखो पैरा जंबल तो आप हटा दीजिए, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और 4 क्वेश्चन इसके अंदर, तो 4, 5 और 5, ये 13-14 जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ वोकैब पे बेस्ड होते हैं। अगर आप अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ये सारे मार्क्स में से आप लोग 10 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाएंगे वोकैब के ऊपर बेस्ड। ये सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस में जाके वोकैब का जो वेटेज होता है और भी बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी वोकैब तैयार करनी है, पेपर पढ़ने हैं, इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू में से कोई भी एक पेपर पढ़ सकते हैं, उसमें से डेली के वोकैब लिखने हैं या फिर इंटरनेट पर सर्च करके आप लिस्ट निकाल सकते हैं बैंक PO की, या फिर अगर नहीं आपको लिस्ट नहीं पता है तो मेरे से भी ले सकते हैं। आप लोग मेरे पास 1000 वर्ड्स की लिस्ट पड़ी है जिसमें आप लोग इंग्लिश के वोकैब तैयार कर सकते हैं। तो उन वोकैब के ऊपर बेस्ड आप 10 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। सबसे पहले तो वोकैब तैयार कीजिए 10 मार्क्स की, उसके बाद में रीडिंग स्किल्स को अपना सुधारिए, डेली एक दो पैसेज पढ़िए। आपकी एक दिन ऐसी स्पीड हो जाएगी ना, जो पैसेज आपको बड़ा लगता है एग्जाम में वो आपको छोटा लगने लग जाएगा और आप उसको 2 या 3 मिनट में पूरा का पूरा पढ़ के समझ भी लेंगे, तो वहाँ से फिर आपके 3-4 मार्क्स और आ जाएंगे, ठीक है। अगर अपन बाकी भी बात नहीं करें तो आपके जो ये 10 मार्क्स हैं वोकैब के ऊपर जो बेस्ट मार्क्स हैं ये आराम से आ सकते हैं।
पैराजंबल जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ सेंटेंस अरेंज करने होते हैं। अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो आप अरेंज कर लेंगे, मतलब किससे समझ में आएगा वो भी वोकैब के ऊपर फिर से डिपेंड करती है बात। तो वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैब बिल्डअप कर लोगे तो इंग्लिश आसान हो जाएगी। पैराजंबल में फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इनकी तो वेल नोन टेक्निक्स हैं, आराम से आप लोग पता कर सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है, लास्ट स्टेटमेंट कौन सा है, दो क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं। कम से कम भी अगर अपन बात करें तो 14 मार्क्स आप यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हो। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो 50 मार्क्स आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में अगर आपको 14 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको वोकैब बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपकी वोकैब अच्छी हो गई तो आपको ग्रामर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। बात करते हैं एरर रिपोर्टिंग की। अब एरर रिपोर्टिंग में भी दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे एरर रिपोर्टिंग निकाल लिए तो आपके 5 में से 3 क्वेश्चन या 10 में से 5 क्वेश्चन तो वैसे सही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पैटर्न के एरर रिपोर्टिंग जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके ऊपर एरर रिपीट होता है, बार बार में पूछता ही रहता है एग्जामिनर, ठीक है। एडजेक्टिव के ऊपर बार बार में एग्जामिनर पूछता रहता है एरर रिपोर्टिंग। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बार बार में एग्जाम में आती रहती हैं, तो वो एरर रिपोर्टिंग में भी आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे एक बार सोल्व कर लेंगे तो एरर रिपोर्टिंग भी आपका सही हो जाएगा। अगर 2016 की मैं कट ऑफ की बात करता हूँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से, तो जनरल की 7 मार्क्स इंग्लिश की गई थी और बाकी 4.5 मार्क्स गई थी बाकी सभी कैटेगरी की। अगर रीजनिंग की बात करें तो 8.5 मार्क्स और 5.5 मार्क्स, और क्वांट की अगर बात करें तो 8.25 मार्क्स आपकी जनरल की और 5.25 मार्क्स आपकी ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। ओवरऑल कट ऑफ की अगर अपन लोग बात करते हैं तो जनरल की यहाँ पे 47.50 थी, ओबीसी की 46.50 थी, एससी की 40 मार्क्स थी और एसटी की 31.25 मार्क्स थी। तो ये सारी यहाँ पे कैटेगरीज़ के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सारे कट ऑफ मार्क्स टोटल दिख रहे हैं, इंडिविजुअल मैंने बता दी। तो इन्हीं मार्क्स के आधार पर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। अब आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, प्रैक्टिस आप लोगों को एक तो बहुत ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना है कि आप लोग बुक लेके बैठ गए और उसके अंदर क्वेश्चन निकाल रहे हैं, 1 घंटे में भी निकल रहा है तो भी ठीक है, 2 घंटे में निकल रहा है तो भी ठीक है, नहीं। टाइम लिमिट को सेट करके आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ये पता करना है कि कहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ। तो इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि टॉपिक वाइज पढ़िए, अपडेट योर सेल्फ, खुद को अपडेट रखिए नए मेथड्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ और नया जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके साथ में। टॉपिक वाइज सबसे पहले स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि टॉपिक वाइज स्टडी करो, उसके बाद में टाइम वाइज उसकी प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसी हिसाब से आप लोग जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक करना है और कौन सा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, सारा खेल ही टाइम का है। टाइम लिमिट में जिसने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया, सारी चीज़ें टाइम लिमिट में कर ली, वही आगे जाके जीतेगा, वही सिलेक्शन लेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट दीजिए बार बार में, और अपने जो प्रैक्टिस जब आप करते हैं, क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हैं तो आप टाइमर लगा के कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आप क्वेश्चन को कितने टाइम में सोल्व कर पा रहे हैं। रिविज़न टाइम टू टाइम होना चाहिए, परफॉर्म लाइक हीरो, ऐसा नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। सिर्फ एक मार्क्स का बैरियर है, उस मार्क्स तक अगर आप लोग पहुंच जाए तो उसके बाद में मैटर ही नहीं रखता कि 20 लाख लोग बैठ रहे हैं, 40 लाख लोग बैठ रहे हैं। प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रही एग्ज़ाम के टाइम पे तो वो आपकी तैयारी को ज़रूर से इफेक्ट करेगा, तो वो भी अपने को नहीं होने देना है। कुछ की पॉइंट्स है जो मैं हर बार हर एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आप लोगों को बताता हूँ। मेनली यही रहता है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट रियल एग्ज़ाम की तरह देना है, और जो कमियां हैं मॉक टेस्ट से निकलती हैं उनको सुधारना है, और बार बार में उन कमियों को रिपीट नहीं करना है। एक बार जो कमी आपको दिख गई उसको वहीं पर सुधारना है, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करना है, और वहाँ से उनको यूज़ में लेते हुए एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये सारे की पॉइंट्स मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इफ़ यू वांट टू साइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, यानी कि अगर आपको साइन करना है सन की तरह तो आपको पहले जलना पड़ेगा सूर्य की तरह। तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, 3 या 4 महीने आप लोगों के पास अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जनरल अवेयरनेस की जो मेंस की तैयारी के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, और ऑनलाइन कोचिंग हमने स्टार्ट कर दी है तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग ज़रूर से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और क्या क्या मटेरियल हम आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बताइए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ओलाई बोर्ड की वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए bankspan.org वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।